अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में शामिल करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ को। जी फ्रेंड्स, सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ को मिल चुका है इस मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट। बात करेंगे इसी सिक्योरिटी पैच अपडेट के हवाले से और देखेंगे इस अपडेट के अंदर हमें क्या नई चीज़ें देखने को मिलती है। अपडेट साइज़ क्या है, बिल्ड नंबर क्या है, सिक्योरिटी पैच लेवल कौन सा दिया गया है और साथ साथ अपडेट साइज़ कितना दिया गया है सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप लोगों के पास भी सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ की कोई भी डिवाइस मौजूद है, सैमसंग गैलेक्सी S22, S22 प्लस या S22 अल्ट्रा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, एंड तक देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने बताया कि आज सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ के अंदर मिल चुका है इस मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट। उसका इमेज आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो मिल चुका है सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि नीचे बॉटम पर आप लोग इसका अपडेट इन्फॉर्मेशन जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो आप लोग नज़र आ रहा होगा कि वन यू आई वर्जन 5.1 जो है वो इंस्टॉल है सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ के अंदर। यहाँ पर जो इसके बिल्ड नंबर हैं, वर्जन नंबर हैं, वो S901EXX4CWD5। इसके बाद जो सेकंड वर्जन नंबर है S901EOWO4CWD2। इसके बाद जो थर्ड लास्ट वर्जन नंबर है वो S901EXX4CWD2। तो यहाँ पर जो है तीन बिल्ड नंबर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ के अंदर। यहाँ पर जो इसका अपडेट साइज़ है 340.59 MB जी फ्रेंड, जस्ट 340 MB का अपडेट साइज़ है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी S22 के अंदर। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो 1 मई 2023 का है। यहाँ पर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो मिलने जा रहा है सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज़ के बाद सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ को। और यहाँ पर जो अपडेट साइज़ आप लोगों ने देखा है 340 MB का अपडेट साइज़ है। और यहाँ पर 5.1 जो है वो इंस्टॉल्ड है सैमसंग गैलेक्सी S22 के अंदर। अगर आप लोगों के पास भी कोई भी डिवाइस मौजूद है सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ की, S22, S22 प्लस या S22 अल्ट्रा, आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोगों को डेफिनेटली अपडेट जो है वो मिल चुका होगा। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर की। अब हम टॉप पे चले जाते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पर जो चेन लॉक मिलता है वो क्या हमें देखने को मिल रहा है सैमसंग गैलेक्सी S22 के अंदर। यहाँ पर द सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस हैज़ बीन इम्प्रूव्ड, तो यहाँ पर डिवाइस की सिक्योरिटी जो है उसको इम्प्रूव किया गया है। और सॉफ्टवेयर अपडेट में इंक्लूड बट इज़ नॉट लिमिटेड टू बग्स फिक्सेस इंप्रूवमेंट्स इन स्टेबिलिटी ऑफ द डिवाइस न्यू एंड और इम्प्रूवड फीचर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर जो है डिवाइस की स्टेबिलिटी के अंदर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिल जाएंगी और साथ ही साथ डिवाइस की स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव किया गया है सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर। कुछ इम्प्रूव फीचर और नए फीचर जो हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं इस सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ। साथ ही साथ जो है डिवाइस की परफॉर्मेंस के अंदर भी आप लोगों को इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी पैच अपडेट है तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर ही किया जाता है। और जितने भी फ्लॉज हैं, जितने भी ग्लिचेज हैं, वो प्रीवियस अपडेट के अंदर रह गए थे, वो उसको ओवरकम करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए ये अपडेट जो है वो रिलीज किया गया है ताकि S22 सीरीज़ स्मूथली रन कर सके विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी बग्स। तो यहाँ पर जो है इम्प्रूवमेंट्स प्रायोरिटी होती है और सिक्योरिटी जो है उसको भी प्रायोरिटी दी जाती है सिक्योरिटी पैच अपडेट के अंदर। तो यहाँ पर 1 मई 2023 का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल चुका है सैमसंग गैलेक्सी S22 के लिए। और यहाँ पर 340 MB का अपडेट साइज़ है जो मिला है इस अपडेट के साथ। अगर आप लोगों के पास भी सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ कोई भी डिवाइस मौजूद है और आप लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया तो आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हैं, आप लोगों को ये अपडेट जो है वो मिल चुका होगा। आप लोगों के पास आप लोगों की डिवाइस के अंदर ये अपडेट मिला या नहीं मिला कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस अपडेट को डाउनलोड इंस्टॉल करने से पहले दो काम जरूर कर लीजिएगा। एक तो अपनी डिवाइस का बैकअप जरूर ले लीजिएगा ताकि आपका जितना भी डाटा है वो सेव हो सके, और साथ ही साथ अपनी डिवाइस को वाईफाई के साथ कनेक्ट कीजिएगा ताकि जो डाउनलोडिंग का प्रोसेस है वो स्मूथली जो है वो हो सके। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको साथ शेयर की सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ की। आप लोगों के पास आप लोगों की डिवाइस में ये अपडेट मिला है या नहीं मिला, विद इन 2 से 4 वीक्स इंशाल्लाह ये तमाम डिवाइस के अंदर जो है वो मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, अपना रखे बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।